वायु प्रकृति के लड़की के साथ हमेशा पार्टी की बात करो, पार्टी लाइफ को जीना आजादी की बात है। हमेशा कहो यार जिंदगी जीने की है, तुम क्या कर रही हो। मान लो कि कोई अजनबी लड़की तुम्हें मिलती है, तुम्हें पता चलता है कि वो वायु प्रकृति की है, तुम मिलते ही उससे बात कर सकते हो, खुलकर बातें करो, मजाक करो, बिना सोचे समझे बोलो और कहो देखो भाई हम तो करते हैं हर सैटरडे संडे पार्टी, और कहो मैं तो जाता हूँ हर महीने हिल स्टेशन घूमने, महीने में एक बार तो मुझे जाना ही जाना है, और धड़ाधड़ पार्टी करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ फ्री की पार्टी, वहाँ जाओ जितना मर्जी खाओ। वायु प्रकृति की लड़की को फ्री शब्द बहुत पसंद होता है। अगर किसी वायु प्रकृति की लड़की का दिल जीतना है तो उससे कहो यार लड़कियों को ना पूरी आजादी देना चाहिए, हमारे देश में ना लड़कियों को आजादी नहीं देते हैं। अपने देश को बुरा बोलना किसी से भी दोस्ती करने का सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका है। वायु प्रकृति की लड़कियों के सामने बुराइयां करो, ये सारे फॉरेन के लाइफ स्टाइल को जीना चाहती है। तुम उनसे कह सकते हो यार लड़के भी तो घूमते हैं रात भर, उल्टा काम करना है तो वो भी करेंगे, लड़कियों को क्यों रोकते हैं। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो तुमसे कहेंगी तुम ना बहुत समझदार लड़के हो, वो तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करेंगी। आजादी की बातें करो, पैसे की बातें करो, गाड़ियों की बातें करो, फैशन की बातें करो, नए नए कपड़ों की बातें करो, नए नए म्यूजिक की बातें करो, नए नए फिल्मों की बातें करो, नए नए सिंगर की बातें करो, ये वीडियो देखी वो वीडियो देखी। तो वायु प्रकृति की लड़की से ऐसी बातें करो, और कौन सी बातें नहीं करनी है, धर्म की बातें नहीं करनी है, पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी है, और पढ़ाई की बातें नहीं करनी है। अब आ जाओ पृथ्वी प्रकृति पर। पृथ्वी प्रकृति की लड़की के पास जाओ और उदास होकर बैठ जाओ। वो पूछेगी क्या हुआ, उसको बताओ मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो मुझे धोखा देकर चले गए, अब मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करूँगा, कभी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करूँगा, सब धोखेबाज होते हैं, आजकल सच्चा प्यार कहाँ मिलता है। इतना आसान है ना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था, मेरे पास ही एक लड़की खड़ी थी, हम दोनों में कुछ 4 फीट का फासला था। जब मैंने देखा आसपास कोई नहीं है, गुजरने वाले गुजर गए, तो मैं मेरे मोबाइल फोन पर कुछ देखते हुए उससे कहा सच्चा प्यार मचाते रहते हैं फेसबुक पर, क्या रहा है सच्चा प्यार आजकल। उसने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं रहा, लोग तो पागल हो गए हैं, सच्चा प्यार बोलते रहते हैं। पृथ्वी प्रकृति की लड़की के साथ धार्मिक बातें करो, पॉलिटिकल बातें करो, क्या बुरा हो रहा है वो बातें करो, कहो सारे नेता चोर है, देश को लूट रहे हैं, बदनसीबी धोखेबाजी, सैडनेस की बातें करो, इनसे कौन सी बातें नहीं करनी है बताओ बताओ। हाँ पार्टी की बातें मत करो, आजादी की बातें मत करो, घूमने फिरने की बातें मत करो। अग्नि प्रकृति की लड़कियां, इन लड़कियों से जब भी मिलो तब काम की बातें करो, बिजनेस की बातें करो, प्रोफेशनल की बातें करो, पढ़ाई की बातें करो, कंपटीशन की बातें करो, सक्सेस की बातें करो। जैसे ही मुझे पता चलता है कि अग्नि प्रकृति की लड़की है तो मैं सीधा जाता हूँ और पूछता हूँ आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, वो कहती है नहीं मैं बस शुरू करने ही वाली हूँ। ये लोग तुमसे कभी नहीं कहेंगे कौन है भाई क्या पूछ रहा है, क्योंकि तुम सीधा उसी पॉइंट पे बात कर रहे हो। अब आपको पता चला कुछ लोग जाते ही बात करना शुरू कर देते हैं और सामने वाला भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है, और जब आप किसी से बात करने जाते हो तो वो जवाब ही नहीं देता, क्यों, क्योंकि तुम अलग टॉपिक पर बात कर रहे हो। मैं थोड़ी देर उनसे बात करता हूँ आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो कहती है नहीं आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। फिर मैं कहता हूँ हम ऐसे करते हैं वैसे पढ़ाई करते हैं, फिर मैं उनसे सलाह लेता हूँ मुझे कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं। इन लड़कियों को सलाह देने का बड़ा मजा आता है, आप इनसे सलाह लेते रहो इनको सलाह देने की आदत पड़ जाएगी, ये आपको दिन रात जाकर आपको सलाह दिया करेंगी, कुछ भी करके ये आपको सलाह देने के लिए वक्त निकाल ही लेंगी। अब बताओ कौन सी बातें नहीं करनी है इनसे, इनसे ना वायु जैसे बातें करना है ना ही पृथ्वी जैसे बात करना है। जल प्रकृति, जल प्रकृति की लड़कियों के साथ सिर्फ कॉमेडी करनी चाहिए, वो हंसेगी नहीं तुम्हारे बात पर, ये नहीं कहेंगी बहुत अच्छा जोक था, लेकिन वो अंदर से हंसती है, अंदर से खुश होती है, पर इनके चेहरे से पता नहीं चलता। इनके पास जाकर आराम करने की बात करो, ये ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते हैं, इनसे काम करने की बातें मत करो, मेहनत की बातें मत करो, बड़े बड़े प्लान्स डिस्कस मत करो।